हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की वीडियो में हम प्रोग्रेस वन देखेंगे डिटर्मिनेंट का। तो हमने अपने पिछली वीडियो में देखा था एक ऑर्डर टू के लिए कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं और ऑर्डर थ्री के लिए डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। अब उनके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन वन जो है प्रोग्रेस वन का, वो है कंप्यूट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है इन क्वेश्चंस के लिए। ए पार्ट जो है वो एक 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इसके लिए डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, साइन असाइन कर लेंगे रो वन के लिए, देन 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और फिर 3 की -1 के साथ। तो इन्हें आप इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। बी पार्ट है ए सी माइनस, ये आई जो है इसे हम आयोटा कहेंगे, आयोटा डी, सी प्लस आयोटा डी एंड बी। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं बी पार्ट का। सबसे पहले साइन असाइन करने होंगे आपने। ए के लिए साइन असाइन किया पॉजिटिव, बी के लिए सी प्लस आयोटा डी के लिए माइनस। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी की। अब फ्रेंड्स यहाँ पे दो टर्म हैं जो मल्टीप्लाई होंगी, तो इनको हम बड़े ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये टर्म मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो हमने यहाँ पर इनको ब्रैकेट में लिख लिया है। आप चाहें तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी ये मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है। अब इसके बाद अब हम एक आइडेंटिटी देखेंगे जो कि है a प्लस बी एंड a माइनस बी। जब दो टर्म इस फॉर्म में होंगी तो उसके लिए आपने एक फॉर्मूला लगाना है जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी और a माइनस बी को आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसके लिए ये a और ये b है और ये a और ये b है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा मतलब सी का स्क्वायर माइनस बी के लिए क्या है आयोटा डी, तो आयोटा डी के लिए स्क्वायर हो जाएगा, तो आयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा और डी का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसके बाद एक और आइडेंटिटी है जो कि वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर की -1। ये आइडेंटिटीज आपने याद करनी होगी क्योंकि ये जरूरी है और इनको हमने यूज करना होगा इसमें। अब ए बी माइनस सी स्क्वायर, ये हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो आगे माइनस साइन है, माइनस आगे है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद इसमें साइन -1 हम कर लेंगे आयोटा डी के अंदर पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो वैल्यू आई हमारे पास ए बी माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब फ्रेंड्स वही बी पार्ट हम देखते हैं, लेकिन अब हम आइडेंटिटी का यूज नहीं करेंगे। तो कैसे आप कर सकते हैं अगर आपको आइडेंटिटी नहीं याद, इन केस तो आप कैसे उसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले वही साइन असाइन करेंगे, देन ये ए बी और इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब इसके बाद आपने इन दो टर्म्स को कैसे सॉल्व करना है, देखिए सी की मल्टीप्लाई होगी सी के साथ, देन सी की मल्टीप्लाई होगी आयोटा डी के साथ, देन इसके बाद आयोटा डी की मल्टीप्लाई होगी सी के साथ और ये आयोटा डी की मल्टीप्लाई होगी आयोटा डी के साथ। तो स्टार्ट करते हैं सी इंटू सी, सी इंटू आयोटा डी। अब आयोटा डी कैसा है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में हमने लिख लिया माइनस आयोटा डी, देन आयोटा डी इंटू सी। पॉजिटिव का साइन चल रहा है अभी क्योंकि हम ब्रैकेट में माइनस साइन लगा दे रहे हैं, देन आयोटा डी इंटू माइनस आयोटा डी। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद वैल्यू आई सी स्क्वायर माइनस आयोटा सी डी प्लस आयोटा सी डी माइनस, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दो आयोटा है एंड डी भी दो है तो डी का भी स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, दोनों सेम टर्म है लेकिन साइन अपोजिट है तो ये कैंसिल हो गया। इसके बाद हमारे पास वैल्यूज आई सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का डी स्क्वायर। अब आयोटा के लिए अब हम ब्रैकेट रिमूव कर लेंगे, रिमूव करने के बाद यहाँ पॉजिटिव साइन हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई -1, तो -1 हम पुट कर लेंगे तो ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स ऐसे आप आइडेंटिटी अगर आपको नहीं याद है तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट में ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में टर्म्स हमें गिवन है, तो इनको देखते हैं। यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। मल्टीप्लाई करने के बाद अब क्या चीज़ सेम है जिसको हम कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई है, दोनों सेम भी है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेंगे। ऐसे ही दोनों भी सेम है और दो बार है तो इनका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, एज इट इज आपने इसके लिए भी कर लेना है। 2 इंटू टू 4 एंड टी का स्क्वायर एंड नीचे वाले के लिए 1 माइनस टी स्क्वायर का
होल स्क्वायर। अभी दोनों सेम है और बीच में माइनस का साइन है, तो ये कॉमन हो जाएगा। कॉमन ले लेंगे इसको। इसमें हम एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास ये हो गया ए स्क्वायर बी का स्क्वायर टी का होल स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर का, देन 2ab माइनस 4t स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस का 2t स्क्वायर। ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो माइनस का 2t स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको इसमें भी एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं जो कि है a माइनस बी की होल स्क्वायर। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है जिसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। नीचे से ये कट हो जाएगा पूरा पूरा, तो हमारे पास वैल्यू आई 1। प्रोग्रेस 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन है शो करना है, शो दैट इस टर्म को इक्वल करना है इस टर्म के। तो LHS पार्ट RHS के इक्वल करके दिखाना है हमने। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास LHS पार्ट है वो एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में है, तो हम सॉल्व किसको करेंगे जो हमें डिटर्मिनेंट फॉर्म में गिवन है। ये तो एक एक्सप्रेशन है, तो इसको हम बदलेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले फ्रेंड्स आप देख लीजिए यहाँ पे जो जो टर्म है उनको हम क्या कह सकते हैं। अल्फा, इस टर्म को हम अल्फा कहते हैं, इसको हम बेटा कहते हैं, और ये गामा है एंड ये सिंबल है डेल्टा। तो सॉल्यूशन टेकिंग LHS, LHS पार्ट ये रहा। अब वही साइन असाइन करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे दो टर्म्स को साथ में, देन माइनस एंड इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद आपने दोनों ही पॉजिटिव हैं तो इसमें कोई आइडेंटिटी हम यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। ए अल्फा मल्टीप्लाई होगा सी बीटा के साथ प्लस ए अल्फा मल्टीप्लाई होगा डी डेल्टा के साथ प्लस बी गामा मल्टीप्लाई होगा सी बीटा के साथ प्लस बी गामा मल्टीप्लाई होगा डी डेल्टा के साथ। तो इस एक्सप्रेशन को हमने लिख लिया है ऐसे, देन माइनस सी। यहाँ पे यहाँ माइनस है तो हम बड़ा ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि आगे वाले माइनस की वजह से इन सबके साइन बदलेंगे। तो सी अल्फा मल्टीप्लाई होगा ए बेटा के साथ प्लस सी अल्फा मल्टीप्लाई होगा बी डेल्टा के साथ। ऐसे ही एज इट इज इसके लिए भी डी गामा इंटू ए बीटा प्लस डी गामा इंटू बी डेल्टा। तो फ्रेंड्स ये हमने इसको ओपन कर लिया है। अब साइन चेंज करेंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन करने के बाद इसके साइन चेंज हो जाएंगे, जो अंदर सारे पॉजिटिव में सारे कैसे हो जाएंगे नेगेटिव इस एक्सप्रेशन के लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से टर्म सेम है और जिनके साइन अपोजिट है उनको हम कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पर ए सी अल्फा बीटा और ए सी अल्फा बीटा दोनों अपोजिट साइन के साथ है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। ए डी अल्फा गाम डेल्टा के लिए कोई नहीं है तो यहाँ पे लिख लेंगे एज इट इज के लिए भी। ये बी डी गामा डेल्टा कट हो सकता है तो इसको हम कैंसिल कर लेंगे। बचे हुए पार्ट को लिख लेंगे यहाँ पे बी सी अल्फा डेल्टा माइनस ए डी गामा बीटा। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया। अब इसके बाद हम ए डी वालों को साथ में लिखेंगे एंड बी सी वालों को साथ में। ए डी ए डी कॉमन कर लेंगे, कॉमन आएगा तो यहाँ बचा अल्फा डेल्टा माइनस गामा बीटा, देन आज इसके लिए भी कॉमन ले लेंगे बी सी। फ्रेंड्स अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये अल्फा डेल्टा है, ये गामा बीटा है, यहाँ पर ये अपोजिट टर्म है। अगर हम इसको यहाँ ले आएंगे तो ये सेम हो जाएगा, बस थोड़ा साइन का फर्क होगा, तो साइन भी हम कॉमन ले लेंगे इसके बाद। तो इसको हमने इसको लेफ्ट साइड लिखा, इसको राइट साइड लिखा। अब साइन कॉमन लेंगे, साइन कॉमन लेते ही यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाएगा और इससे जो साइन हमने ले लिया तो ये प्लस का माइनस साइन हो जाएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये आया। इस एक्सप्रेशन में से हम इस पार्ट को, इस पूरी टर्म को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम इसमें से, इस पूरे में से ये कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा ए डी माइनस का बी सी।
तो कॉमन लेने पर हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो इसको लेफ्ट साइड ले, इसको राइट साइड, तो हमारे पास ये RHS टर्म के इक्वल हो गया, तो देयरफॉर LHS हो गया इक्वल RHS के। क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं, शो करना है लेफ्ट साइड को इक्वल करना है राइट साइड के। तो सबसे पहले आपने LHS लिखना होगा, LHS लिखने के बाद यहाँ पर इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को, तो मल्टीप्लाई हो गई है ये। अब हमारे पास ये दोनों सेम है, सेम है तो इनको होल स्क्वायर में कर लेंगे, तो 1+t² का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दो टर्म है और दोनों सेम है तो इसको होल स्क्वायर कर लेंगे। एज इट इज हम इसके लिए भी यही करेंगे, 1+t² का होल स्क्वायर कर लेंगे, और ये 2×2 4t² हो जाएगा। ये दोनों सेम नहीं है तो इनको हम ऐसे लिखेंगे, को ब्रैकेट में लिखकर हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये 1-t पर भी होल स्क्वायर है और 1+t पर भी होल स्क्वायर है, तो ब्रैकेट में हम दोनों के लिए कॉमन 2 कर लेंगे, मतलब कॉमन स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं a-b, और a+b के लिए एक आइडेंटिटी होती है a²-b², तो ये उस तरीके की फॉर्म हमें मिल रही है, तो हम इसमें वो आइडेंटिटी यूज करते हैं। आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा a²-b², वो 1-t और 1+t था, तो 1 के लिए स्क्वायर तो 1 ही होगा, एंड t का t² हो जाएगा। अब इसके बाद आपने ये दोनों को कॉमन कर लेना है, इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये आएगा, अब -1 1-t² का होल स्क्वायर -4t². इसके बाद आपने इन दो टर्म्स को सॉल्व करना है, इन दो टर्म्स को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आइडेंटिटी यूज करेंगे a-b का होल स्क्वायर। a-b का होल स्क्वायर होता है a²+b² -2ab, तो यहाँ हम वो अप्लाई करेंगे, माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन के लिए ये अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। हमने माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि जब हम इस टर्म को ओपन करेंगे तो इस नेगेटिव साइन की वजह से यहाँ पे चेंजेस होंगे, तो अभी हम वो चेंजेस नहीं करना चाहते, तो इसके लिए हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया माइनस, तो यहाँ नेगेटिव साइन हो जाएगा पॉजिटिव। आप चाहें तो इसको नेगेटिव साइन के साथ भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अब फॉर्मूला इसमें लगाते हैं, तो ये हो जाएगा a²+t² का होल स्क्वायर -2×a×b, मतलब 2×1×t² +4t². तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आया 1 का स्क्वायर का 1, t² होल स्क्वायर का t⁴ हो जाएगा ये, लेकिन अभी हम उसको नहीं लिख रहे हैं, मैं बताऊंगी क्यों आगे। देन -2t² + 4t² फ्रेंड्स, हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं साथ में, तो हमारे पास आएगा +2t² क्योंकि यहाँ पे साइन >4 का है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। इसके बाद हमने इसको +2t² लिखा। आप देखिए यहाँ पे हमने इसके t⁴ क्यों नहीं किया, क्योंकि ये अभी इसमें एक और आइडेंटिटी यूज होनी है, जो कि है अगर आप a+b के होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो आता है a²b² + 2ab, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी a+b की होल स्क्वायर। इनको हम कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा, कैंसिल होके आएगा 1 -1 + 1 0, तो ये हमारे पास RHS वैल्यू आ गई। तो ऐसे ही हमने इसको सॉल्व कर लिया है, LHS इक्वल हो गया RHS के। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। ए और बी पार्ट आपको गिवन है जिनका ऑर्डर 3/3 है। तो फ्रेंड्स, इसे आप इवैल्यूएट, इन्हें आप सॉल्व कर लीजिएगा इन डिटरमिनेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। शो दैट, इसको शो करना है इसके इक्वल, मतलब LHS पार्ट को RHS के इक्वल करना है। ये एक डिटरमिनेंट फॉर्म में है तो हम इसको लेकर चलेंगे। सॉल्यूशन, टेकिंग LHS, LHS पार्ट हम यहाँ लिख रहे हैं, सबसे पहले उसके लिए साइन असाइन कर लेंगे। अब इसके बाद आपने ए के लिए डिटरमिनेंट निकालना होगा, उसके रो एंड कॉलम साइड करके, एच के लिए एंड जी के लिए। देन अब इसके बाद हमारे पास वैल्यूज आई BC-F×F², -HC-FG और HF-BG। देन इसको सॉल्व करते हैं तो ये ABC हो जाएगा, ये F²-H²C
माइनस साइन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एच एफ जी प्लस जी एच एफ माइनस बी जी स्क्वायर। ये दो टर्म्स सेम है, एच एफ जी ये जी एच एफ, इसको आप सेम लिख सकते हैं आगे पीछे करके। तो इसको हम प्लस करेंगे तो आएगा टू एफ जी एच या टू एच एफ जी, आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं। ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर प्लस टू एफ जी, हमारे पास ये आई टर्म्स। तो हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं, इन वैल्यूज को आप जिस तरीके से आपको आर एच एस पार्ट गिवन है आप उसको उस तरीके से लिख लीजिए, तो ये हमारा आर एच एस के इक्वल हो गया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।